जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, ग्रहण काल के समय हमें मंदिर के प्रति क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसी के विषय में निवेदन करने जा रहा हूं। वो चाहे हमारे घर का मंदिर हो या सार्वजनिक देवस्थान हो, हर जगह हमें लगभग लगभग उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक लगता है, चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगता है। सूतक काल वो होता है जहां से हमारा ग्रहण के निमित्त नियम प्रारंभ हो जाता है। उसी समय से हमें मल मूत्र का त्याग करना, सोना, अनावश्यक बातचीत करना, सांसारिक जितना भी कार्य है उन सब कार्यों से दूर होकर के हमें सावधानी पूर्वक जो है भगवान के मंत्रों का जाप इत्यादि करना चाहिए। खाना पीना सोना सांसारिक ये सब कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब उसमें भी जो विशेष बात होती है मंदिरों की व्यवस्था, तो जो सूतक काल जैसे कि चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक प्रारंभ होता है, तो सूतक काल प्रारंभ होने के पहले ही हमें जो घर के भगवान है, मंदिर है अथवा बाहरी सार्वजनिक मंदिर में अपने प्रभु जी की सेवा करके आरती इत्यादि करके, वो चाहे पराजला दिन में लग रहा है तो हम प्रातः 4 बजे ही कर लें। उसी प्रकार से जैसे हम स्वयं के लिए जल पी लेंगे, खा लेंगे, उसी प्रकार से अपने भगवान की जी की भी सेवा जल्दी उठ करके हमें कर लेना चाहिए। और दिन में लग रहा है तो कोई बात ही नहीं, समय ही समय हमारे पास है। तो जो सूतक काल के पहले हमें अपने भगवान जी के नित्य की भांत सेवा कर लेनी चाहिए, और उसके बाद में जो कुशा है जिसको दर्भ डाभ भी कहते हैं, अगर वो नहीं मिला तो तुलसी का डंठल है, लकड़ी है, पत्ते हैं, अगर वो भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो दूर्वा जो है हर जगह सभी भगवान के ऊपर में रख देना चाहिए। उसके पहले भगवान की आरती पूजा करके और भोग इत्यादि लगा करके उन सामग्रियों को हटा देना चाहिए वहां से। इसके बाद में मंदिर को हमें बंद कर देना चाहिए, घर का मंदिर है तो हमें वहां पे पर्दा लगा देना चाहिए। जब सूतक प्रारंभ हो जाता है उसके बाद आप कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, किसी भी मंदिर में जाकर के पुजारी जी को या मंदिर के व्यवस्थापकों को तंग नहीं करना चाहिए, अथवा अपने घर के विराजमान भगवान जी को बार बार परेशान नहीं करना चाहिए। हमें पवित्रता से रहना चाहिए, और जो सूतक काल ग्रहण काल का जो नियम है कि हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिनका ग्रहण दोष उसकी शांति तैयारी करानी चाहिए, ये सब तो आप लोग सुनते ही रहते हैं। जब ग्रहण संपन्न हो जाए, मतलब जब ग्रहण काल पूर्ण हो जाए, मोक्ष हो जाए, उसके पश्चात में सर्वप्रथम हमें स्वयं स्नान करना चाहिए। ग्रहण जनित अगर हम दान करें उड़द इत्यादि, छाया पात मतलब घी से भरी हुई कटोरी इत्यादि, तो किसी भी ग्रहण में हमें करना ही चाहिए। वो दान देने के बाद ये राहु को प्रसन्न करने के लिए, आरोग्यता के लिए किया जाता है, ये अंतज को दिया जाता है, जो हमारे सफाई कर्मी बंधु है उनको देना चाहिए। इसके पश्चात जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है और जनेऊ जिनका हो चुका है और रेगुलर जनेऊ धारण करते हैं, उन लोगों को जनेऊ परिवर्तित करना चाहिए। अशुद्ध यज्ञोपवीत का त्याग करके नूतन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, टीका इत्यादि लगाना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए। इसके पश्चात में अपने घर के प्रभु जी को स्नान इत्यादि कराना चाहिए। पहले से ही जल में कुशा इत्यादि, जैसा कि कई वीडियो में मैं निवेदन कर चुका हूं कि सूतक काल लगने के पहले फूल है, दूध, दही, छाछ, घी, मुरब्बा, चटनी, अचार, इन सब पदार्थों में हमें कुशा अवश्य रखना चाहिए, जिसको डाब दर भी बोलते हैं। तो भगवान जी का स्नान करा करके बगल में बैठा के और पूरे मंदिर को गंगा जल अथवा किसी भी तीर्थ के मिश्रित जल से अथवा सामान्य जल से पोछ पाछ करके, धोने लायक है धो करके, सारे कपड़े भगवान के निकाल करके और दोबारा उनको पहले से धुले हुए कपड़े उनको धारण करा देना चाहिए, और जैसा समय हो चंदन धूप दीप करके भोग लगाना चाहिए। ये हमें अवश्य प्रयत्न करके करना चाहिए। इसमें कार्य और भी कर सकते हैं कि जैसे ग्रहण के पहले सूतक लगा, सूतक लगने के पहले ही मंदिर के केवल एक नीचे बिछाने वाले वस्त्र को छोड़ करके बाकी वस्त्र आप चाहे तो पहले हटा सकते हैं, धो धा करके उनको सुखा सकते हैं। तो इस प्रकार का भी कार्य आप हम लोग कर सकते हैं। इन सावधानियों का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। थोड़े से ही कार्य से हमारा
परम कल्याण होगा। और जो सार्वजनिक मंदिर हैं तो हाँ, तो पूरी धुलाई गंगा जल इत्यादि मिश्रित जल से होता है। हमारा घर है तो कम से कम घर में, पूरे घर में पोछा लगा लें, नहीं लगा सकते तो जहां तक हमारा मंदिर है वहां के चारों तरफ हमें पवित्र जल मिला हुआ पोछा अवश्य लगा लेना चाहिए। इसमें कोई दुविधा हो, संदेह हो, जिन बातों को मैंने नहीं बताया है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। वीडियो अगर आपको उचित लग रहा है कि आपस में भेजना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो अवश्य शेयर कीजिएगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।